हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक जॉय सुपर कंपनी का 9050 मॉडल टॉर्च रिपेयरिंग करने वाला हूं। तो ये टॉर्च का क्या हुआ है प्रॉब्लम, ये स्विच देने के बाद कुछ भी चालू नहीं हो रहा है, चार्ज भी लेता है लेकिन ये फ्रेंड्स ऑन ही नहीं हो रहा है। कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी बंद, मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये बैटरी का प्रॉब्लम या लाइट LED का प्रॉब्लम या स्विच का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसको पहले मैं खोलता हूँ, फिर इसका जो प्रॉब्लम है आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं ऐसा चला के दिखा देता हूँ। देखिए, स्विच दबा रहा हूँ लेकिन नहीं जल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्विच दबा रहा हूँ लेकिन नहीं जल रहा है फ्रेंड्स। ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं, तो कभी कभी ये जलता है फ्रेंड्स। अभी देख सकते हैं, अभी जल गया। तो ऐसा ही हो रहा है फ्रेंड्स, कभी कभी जल रहा है, ऐसा नहीं जल रहा है ऑटोमेटिक जैसा। तो अभी मैं इसको चार्जिंग लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, चार्जर कोड लगा दिया हमें, तो चार्ज ले रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये चार्जर पे अभी रेड लाइट जल रहा है, तो ये चार्ज ले रहा है, अभी ग्रीन हो रहा है, मतलब इसका कनेक्ट है बैटरी के साथ चार्जर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैटरी भी चार्ज ले रहा है, जो टॉर्च है हमारा चार्जिंग ले रहा है, लेकिन जो फ्रेंड्स हमारा जो टॉर्च है नहीं जल रहा है। कितना भी आप चार्ज में लगाओ तो ये टॉर्च जो है नहीं जल रहा है। तो इसको पहले पूरा ओपन कर लेंगे और इसका जो काम है मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो। तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आगे का ऐसा ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा देखिए ओपन होता है। तो आगे का ये खोल दिया तो ये आगे का ओपन हो गया। फिर इसके पीछे देख सकते हैं, ये वाला LED तो यहाँ पर ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे अभी इसको कैसे ओपन करेंगे, ये वाला अंदर देख सकते हैं, प्लास्टिक का कवर जैसा है, बॉडी है इसके अंदर है और एक। तो इसको ओपन करने के लिए सब पीछे से थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा प्रेस किया तो ये बाहर आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको अलग कर देता हूँ। तो अभी इसके बाद यहाँ पर इसको खोल देना है, यहाँ पर ऐसा दोनों साइड अलग हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं, आधा आधा अलग हो गया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो बैटरी है, यहाँ पे लिथियम बैटरी है, तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी बैटरी होता है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका वायरिंग है और यहाँ पे ऐसा टॉर्च LED को आगे को गया है। यहाँ पे दो वायर देख सकते हैं, यहाँ पे आगे जाके LED जलता है। तो यहाँ पे जो स्विच है फ्रेंड, यहाँ पे पावर आता है कि नहीं हम देखेंगे पहले, यहाँ पे वोल्टेज मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके मैं देखता हूँ ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं, शायद ये स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स। तो स्विच बराबर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से ये जो टॉर्च है हमारा कभी कभी जल रहा है और कभी कभी नहीं जल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला नया स्विच है मेरे पास, तो ये स्विच में चेंज करने वाला हूँ इसमें। तो बाद में देखेंगे, अगर स्विच चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो और कहाँ पर प्रॉब्लम है फ्रेंड्स हम देखेंगे। तो पहले स्विच का जो वायर है मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और पुराना स्विच को मैं निकाल देता हूँ, फिर नया स्विच को लगाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो वायर है यहाँ पे मैं काट देता हूँ पीछे का, क्योंकि पीछे का जो LED है फ्रेंड्स ख़राब हो चुका है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है रख के। यहाँ पे देख सकते हैं चारों LED काला हो गया है, ये ख़राब हो गया है फ्रेंड्स, तो इसको नहीं रखना है हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो नेगेटिव वायर आएगा हमारा, इसको रखना है क्योंकि यहाँ पर जो चार्जिंग के लिए भी चाहिए और यहाँ से पीछे से हमारा जो नेगेटिव सप्लाई आगे तक चाहिए फ्रेंड्स। तो इसको मैं सोल्डरिंग करके यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पे जोड़ देता हूँ और यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट रहता है ये नेगेटिव पॉइंट में लगा देना है, क्योंकि ये बैटरी से चलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है वहीं पर कनेक्शन कर देना है पीछे साइड को, देख सकते हैं, और स्विच का भी एक लेग को लगा देना है पॉजिटिव में, ठीक है। तो जो नेगेटिव है डायरेक्ट हो जाएगा बल्ब को, यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेना है ऐसा, जो पीछे से आ रहा है फ्रेंड्स वो टर्मिनल पे ऐसा लगा लेना है। आप भी ऐसा स्विच ख़राब हो जाता है तो आप मार्केट में आसानी से मिल जाएगा ये स्विच, आप लाके खुद ये जो काम है आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रेड वाला वायर हमारा ये स्विच से जाएगा लेकिन ये रेजिस्टेंस होके ये जो टॉर्च है हमारा तीन बार काम करता है, मतलब एक बार दबाने से लो जलता है, फिर और एक बार हाई जलता है, फिर और एक बार दबाने से स्विच को हमारा बंद होता है। तो थ्री स्टेप में ये काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और पीछे वाला जो स्टेप था चार, ये ख़राब हो चुका है, तो फोर वाला स्टेप नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं थ्री स्टेप वाला स्विच को लगा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ तो कम जलेगा, मतलब लो लाइट के लिए थोड़ा लो और थोड़ा हाई, ऐसा करके तीन दो बार जलेगा और तीसरा बार में बंद होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ऐसा ही करके तीनों
कनेक्शन कर देना है यहाँ पे स्विच के जगह पे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा वायरिंग जो हमारा हो चुका है, और स्विच को भी ऐसा माउंट कर लेना है। और पीछे वाला जो स्प्रिंग रहता है पे नेगेटिव को कनेक्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका ऊपर का कवर को लगा लेना है। यहाँ पे इतना ही है फ्रेंड्स, ये टॉर्च में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसको खोल के रिपेयरिंग कर सकते हैं। बाकी थोड़ा खोलने के लिए प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स, बाकी ये जो वीडियो देखे आप आराम से ये वाला टॉर्च को आप खोल सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं वीडियो में, ये आराम से ऐसा करके आप खोल के भी फिटिंग कर सकते हैं, और सीधा आपको ऐसा डाल देना है स्विच को, ऐसा होल जैसा दिख रहा है यहीं सीधा पे रख के आपको सीधा प्रेस कर देना है तो अंदर चला जाएगा, और इसका स्विच के पास ये जाके अटक जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे भी हमारा आ गया, और स्विच के जगह पे भी बराबर बैठ गया। और इसको मैं कवर लगा लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आगे का, और अभी चालू करके मैं देखता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरह से जल रहा है, और लाइट भी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो ये वाला टॉर्च जो है हमारा रिपेयरिंग हो चुका है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, धन्यवाद।